खमागणी किसान साथियों, किसान टीवी में आपका स्वागत। किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं उदयपुर से जयपुर किसान मेले में। और किसान मेले में अगर आप आते हैं तो कई सारी ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कई सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी मिलती हैं, कई सारे बीज के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसी में हमें दिखा है यहाँ पर ग्रीनलैंड इंडिया रिपर बाइंडर मशीन। जो आप देख रहे हैं कि ये जो रिपर बाइंडर मशीन है, इसकी खास बात ये है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। इसके लिए किसी भी प्रकार के ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ट्रैक्टर वाला चाहिए तो वो भी मॉडल अवेलेबल है, लेकिन ये जो मॉडल है इसमें खास बात है कि सेल्फ प्रोपेल्ड है। इसके साथ में ही इंजन अटैच रहता है और आप आराम से चेयर पर बैठ के आप खेत में जो फसल है उसको काट कर फिर गठर बांध सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी सर, मैं हूँ झालर जगदीश, ग्रीनलैंड कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारी कंपनी गुजरात में राजकोट में स्थापित है। जी, तो आप मतलब कौन कौन से मॉडल तैयार करते हैं किसानों के लिए रिपर में? सर, हम सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर बाइंडर मशीन बनाते हैं, ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड रिपर बाइंडर मशीन बनाते हैं, ट्रैक्टर बैक माउंटेड रिपर बाइंडर मशीन बनाते हैं, और एक रिपर भी बनाते हैं जो इसी फोर व्हील में अटैच हो जाएगा। अच्छा जी सर। तो आज हम यहाँ पर सेल्फ प्रोपेल्ड जो रिपर बाइंडर मशीन है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो मशीन है ये यानी कि कितनी ऊंचाई से फसल को काटती है और हाईएस्ट कितनी हाइट वाली फसल को काट सकती है? जी सर, ये मशीन फसल को 2 से 2.5 इंच के ऊपर काट देगी जी, और ये 2 से 5 फीट तक फसल होगी वो काट के बांध देगी। सर, 1 घंटे में यानी कि कितनी कटाई कर सकती है सर? ये 1 घंटे में करीबन 1 एकड़ तक काट के बांध देती है सर। अच्छा जी सर। इसके साथ में देखो माइंड में यही चलता है कि हमारे खर्चा कितना होता है 1 एकड़ काटने में? ये डीजल की बात करें इंजन की तो ये 1 घंटे में 1 लीटर डीजल तक खपत करता है। अच्छा, 1 घंटे में 1 लीटर डीजल खपत करता है और 1 एकड़ कट जाएगा? जी, 1 एकड़, 1 लीटर डीजल में 1 एकड़ आराम से कट जाएगा। अच्छा, अब आप बताइए इसमें क्या खास फीचर्स हैं और कैसे वर्किंग होता है इसका? ये पहली मशीन है जिसमें 5 फीट का कटर बार दिया हुआ है। ये जो साइट है जी, की पूरी जी, ये जो कटर बार है ना, हाँ, ये आप देख रहे हो, हाँ, ये 5 फीट का है, हाँ, जो बहुत अच्छा एरिया कवर कर लेता है। अच्छा जी सर। और उसके साथ में इसमें यानी कि जो धागा लगता है जी सर, वो धागा यानी कि अलग से लगाना होता है? जी सर, ये धागा इस डिब्बे में लग जाएगा, यहाँ पे बंडल आ जाएगा, बाकी यहाँ से आप सेट कर सकते हो, यहाँ से पूरा बीच में बंध के चला जाएगा। अब इसके साथ में हम चलते हैं इंजन की तरफ। इंजन कितना हैवी है और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं वो बताइए आप। जी सर, ये ग्रिप्स कंपनी का डीजल इंजन है जो है 10 HP का सिंगल सिलेंडर इंजन है, डीजल इंजन है जो। तो सर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और पावरफुल इंजन है जो 10 HP का दिया हुआ है सर। अच्छा सर। इसके साथ में अगर टायर की बात करते हैं अपन, तो टायर कितने हैवी हैं और जो यानी कि जो ढेले वाली जमीन होती है उसमें क्या कम्फर्टेबल रहते हैं नहीं रहते हैं, या गीली जमीन में कम्फर्टेबल होते हैं नहीं होते हैं? जी सर, ये टायर हमने 616 का आगे का दिया है और पीछे वाला है वो 450/12 का टायर है जी। तो ये हमने इस बार हमने मोटे कर दिए है क्योंकि किसानों को दिक्कत रहती है कि गीली जमीन होती है उसमें थस जाता है, तो ये दिक्कत अभी नहीं आने वाली है सर। अच्छा अच्छा जी। तो इसमें मतलब क्या प्रोसेस रहती है चलाने की वो बता दीजिए। सर, मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर, इसमें सेल्फ स्टार्ट दिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, वहाँ से हम सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ दिया हुआ है, अगर बैटरी का कोई इश्यू आता है तो किसान भाई इंजन दोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दोरी का भी सिस्टम दिया हुआ है। तो हम आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं सर। जी सर, तो देख सकते हो आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो मशीन को। ये एक्सीलेटर दिया हुआ है। मशीन को चालू करने के लिए क्या करना है? जी सर, यहाँ से पिटियो दिया हुआ है, यहाँ से पिटियो दिया हुआ है, यहाँ से पिटियो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टार्ट करोगे और क्लच छोड़ोगे तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही चलता रहेगा? जी सर, ऐसे ही आप काम करेगा। और यहाँ से हम पिटियो बंद कर सकते हैं। अच्छा, ये बंद हो गया पूरा? जी सर। और मशीन का स्टॉक बंद करने के लिए ये आपको ठीक है।
जी सर। अच्छा, तो इसको नाइट में भी यूज कर सकते हैं ना? जी सर, नाइट में भी यूज करने के लिए यहाँ पे हमने दो LED लाइट दी हुई है। अच्छा। तो रात्रि कार्य में सीधा वहीं पे जाएगा जी, वो आपको आसानी से काम को, वो आप हम चालू करके आपको दिखा सकते हैं। जी जी, ये देखिए यहाँ पे LED लाइट दो दी हुई है जो रात में बहुत अच्छा एरिया रोशनी कवर कर लेती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात आती है कि यानी कि जो भी खरीदता है तो उसके साथ में आप धागा देते हैं या फिर अलग से खरीदना पड़ता है इसमें? जी सर, धागा अलग भी खरीद सकते हैं और साथ में भी हम कुछ बंडल है, जो एक बंडल है वो मशीन के साथ में आता है और तीन बंडल कस्टमर किसान भाई साथ में भी रख सकते हैं। अच्छा, मशीन में। अच्छा, तो यानी कि एक धागे के बंडल से यानी कि कितना अपन बांध सकते हैं? मतलब सर, एक बंडल से हम 1 से 1.5 एकड़ तक बांध देंगे, कवर कर लेगा। अच्छा, और ये यानी कि सूखी फसल ही काटेगा या फिर गीली भी काट लेगा? सर, सूखी फसल ही काटेगा, गीली में क्या होगा कि आगे गिर जाएगा तो बिखर दे। तो गीली के लिए यानी कि दूसरा रहता है फिर? जी सर, उसके लिए रिपर दिया हुआ है। हाँ हाँ, जो आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो, यहाँ पे इसके आगे रिपर लग जाएगा। अच्छा, इसी के आगे लग जाएगा? जी सर, जैसे कि धान वगैरह हो गया वो इससे आप काट के साइड में गिरा सकते हो। अच्छा, चावल वगैरह वो सारा? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो मॉडल है उनके बारे में भी समझा दीजिए आप। जी सर, ये ट्रैक्टर के आगे लगने वाला रिपर बाइंडर मशीन है जो अच्छा, मॉडल ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड है? जी, ये ट्रैक्टर के आगे लग जाएगा जिसका मॉडल नेम है MDS-42TFM, ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड रिपर बाइंडर मशीन। और ये? ये सर इसका बंधाई का सिस्टम है। हाँ। यहाँ से फसल अच्छा, को काटेगा, यहाँ से फसल को काट के लाएगा? जी, काट के लाएगा, इधर से पुला बना के पीछे डाल देगा सर। अच्छा, इसके लिए यानी कि ट्रैक्टर क्या कैपेसिटी में होना चाहिए? जी सर, इसके लिए मिनिमम 35 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए। 35 से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 35 से कम होगा तो उसमें नहीं चलेगा सर। अच्छा जी सर। अच्छा, ये यानी कि फ्रंट माउंटेड है तो क्या ये यानी कि अगर ट्रैक्टर के पीछे भी लगाना चाहेंगे अपन तो लग जाएगा क्या? जी सर, कंपनी ने इसके लिए एक अटैचमेंट बनाया हुआ है, जो भी किसान भाई को ट्रैक्टर के पीछे लगाना है तो वो लगा सकते हैं सर। अच्छा, पीछे भी लग जाएगा और आगे भी लग जाएगा? जी सर, आगे भी लग जाएगा, पीछे भी लग जाएगा। जी सर, जैसा आपकी मतलब सुटेबल है वैसे? जी सर, जैसे किसान भाइयों को लगाना है लगा सकते हैं। अच्छा, अब यानी कि कोई भी किसान साथी खरीदता है तो उसके माइंड में यही चलता है कि इसकी कोई वारंटी या फिर सर्विस मेंटेनेंस क्या है वो बताइए आप। जी सर, इसके इंजन की और उसके पास में जो गियर बॉक्स है उसमें 1 सीजन की वारंटी रहती है और आगे जो कटर बार है उसका गियर बॉक्स है उसकी 1 ईयर की वारंटी रहती है, इसलिए 1 सीजन की वारंटी रहती है सर। सर्विस मेंटेनेंस? जी सर, ये आपको जो आप डीलर्स के पास से लेते हो वहाँ से आपको सारी सुविधा प्रोवाइड हो जाएगी सर। अच्छा, वो डीलर यानी कि करता रहेगा? जी सर, डीलर का आदमी आपको आके चेक अच्छा, कर देगा। और अगर कोई भी खरीदना चाहता है तो क्या आपके राजकोट आना पड़ेगा या फिर होम डिलीवर होता है? नहीं कैसे सर है? आपके नजदीकी डीलर से आप संपर्क करके मशीन ले सकते हो, जो हम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सर। जी, इसकी कीमत क्या होने वाली है? इसकी कीमत है सर 5,32,000 रुपये और 50% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी हुई है। अच्छा, तो यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी रहती होगी, कितनी रहती है मतलब? जी सर, ये 50 से 80% तक सब्सिडी रहती है सर, अलग अलग राज्यों में, राज्य के हिसाब से। जी सर। अच्छा, हाईएस्ट यानी कि 80% तक? जी सर, 80% तक रहती है सर। जी 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 जी। इसके साथ में ये जो अपना फ्रंट माउंटेड और बैक माउंटेड दोनों है? जी सर। तो इसकी क्या कीमत होने वाली है? इसकी कीमत है सर अभी 2,90,000 रुपये सर जी, और उसमें भी 50% सब्सिडी दी हुई है। अच्छा, इसमें भी सेम ही रहता है सब्सिडी? जी सर, इसमें भी सारा सेम ही प्रोसेस है। अच्छा अच्छा जी। तो सर, वैसे तो यानी कि प्रोडक्ट का तो क्या कहना है, मैं तो खुद पहले से ही मतलब इसको जानता हूँ और किसान लोगों का भी काफी अच्छा फीडबैक है। जी सर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।